वेलकम टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान चैनल। माय नेम इज गौरव। दोस्तों, आप जानते हैं कि मैं जितनी भी जॉब के अपडेट्स लेकर आता हूं, मैं आपकी रिक्वेस्ट पर ही लेकर आता हूं। ये जॉब भी मैं आपकी रिक्वेस्ट पर ही लेकर आया हूं। अगर आपके भी मन में कोई जॉब है, जो लोग कह रहे से नए जुड़े हैं, वो अपनी क्वालिफिकेशन और अपना स्टेट कमेंट बॉक्स में मैंशन करके रखें, ताकि मैं उनके लिए जैसी कोई नोटिफिकेशन आता है तो मैं उनके स्टेट और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उस पर वीडियो बना सकूं। बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा दोस्तों, जैसी कोई मेरे पास अपडेट आती है सो मैं उस पर आपके लिए वीडियो बना दूंगा, आपकी क्वालिफिकेशन और स्टेट के अकॉर्डिंग। सो इस वीडियो में मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ कि ये जो फॉर्म है, आप इंडिया में कहीं भी रहते हों, किसी भी स्टेट में रहते हों, आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपकी क्वालिफिकेशन जो है इस क्राइटेरिया से मैच करती है। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपके साथ पूरी डिटेल शेयर की है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर आप इसको फिल करना चाहते हैं फॉर्म को, तो वो नोटिफिकेशन ज़रूर ओपन करके देखें, क्योंकि अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, वो नोटिफिकेशन आप नहीं देखेंगे, तो आपको जो है फुल डिटेल्स नहीं मिल पाएगी। सो इसमें हम पोस्ट नेम की बात कर रहे थे, तो जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर और असिस्टेंट एडवाइज़र की पोस्ट है, यूपीएससी रिक्रूटमेंट 2017। सो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आप जानती होंगे, मुझे एलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का बटन दिखाई देगा सब्सक्राइब का, इस पर क्लिक कीजिए, और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके राइट हैंड पर बेल आइकन भी आएगा, इस पर भी क्लिक कीजिए। इन दोनों पे क्लिक करने से आपसे एक भी लेटेस्ट जॉब का नोटिफिकेशन मिस नहीं होगा। दोस्तों, हम अपने हर वीडियो में बोलते हैं सब्सक्राइब करो, क्यों बोलते हैं? हम इसलिए बोलते हैं ताकि आपसे एक भी लेटेस्ट जॉब का नोटिफिकेशन मिस ना हो और आप जो है लास्ट डेट से पहले उसका फॉर्म फिल कर पाएँ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट की बात करूंगा, तो 28/9/2017 तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोकेशन आपकी जो है ऑल इंडिया में कहीं भी हो सकती है, और आप इंडिया में कहीं भी रहते हो, आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो अनरिजर्व और OBC के लिए ₹25 फीस है, SC ST के लिए कोई फ़ी नहीं है, फीमेल के लिए भी कोई फ़ी नहीं है। एज लिमिट की बात करें तो जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए 30 साल, असिस्टेंट एडवाइज़र के लिए 40 साल, एज रिलैक्सेशन भी दिया है इन्होंने SC ST के लिए 5 साल का और OBC के लिए 3 साल का। बस आपको जो है वो नोटिफिकेशन ओपन करके देखना है दोस्तों, वो नोटिफिकेशन ज़रूर ओपन करके देखना, अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको फुल डिटेल्स नहीं मिल पाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स की, तो पोस्ट नेम मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी है, तो जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर और असिस्टेंट एडवाइज़र की पोस्ट है। टोटल जो पोस्ट है इसमें 7 पोस्ट है, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए 5, असिस्टेंट एडवाइज़र के लिए 2। सैलरी की बात करें तो जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए ₹9,300 से ₹34,800 तक आपकी सैलरी रहेगी, असिस्टेंट एडवाइज़र के लिए ₹15,600 से ₹39,100 आपकी सैलरी रहेगी, बल्कि इसके अलावा आपको अदर अलाउंसेस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए द कैंडिडेट्स मस्ट पोजेसेस MSc इन माइक्रोबायोलॉजी और बोटैनी और प्लांट पैथोलॉजी, और मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री या फोरेंसिक साइंस, और मास्टर डिग्री इन फिजिक्स या फिर बायोफिजिक्स और फोरेंसिक साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सो आप जो है क्वालिफिकेशन आप ढंग से देख लेना, और वो जो नोटिफिकेशन है उसमें भी आप एक बार डिटेल्स देख लेना। असिस्टेंट एडवाइजर के लिए द कैंडिडेट्स मस्ट पोजेसेस डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इनमें से एक चीज़ उनके पास होने चाहिए, तब वो जो है इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद हम फॉर्म की बात करते हैं, तो फॉर्म का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अब जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है ऐसा पेज ओपन होगा जो मैंने नीचे दिखाया है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर केमिस्ट्री, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर फिजिक्स, असिस्टेंट एडवाइजर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, सो आप जो है इन पे अप्लाई करना, अप्लाई ना, और यहाँ से आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। अगर आप SC ST या वुमेन है तो आपको फ़ी का पे करने का ऑप्शन नहीं दिखाएगा, अगर आप जनरल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जनरल से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको फ़ी पे करने का ऑप्शन दिखाएगा, जो आपको ₹25 पे करने हैं। और मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। सो थैंक यू सो मच हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और दोस्तों आज संडे है, आप जो है मुझे कॉल्स कीजिए, मैं आपका कॉल्स अटेंड करूँगा आज के दिन। सो थैंक यू सो मच गाइज़।